प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय रेल के कार्यकल्प के लिए अहमदाबाद गुजरात से वर्चुअल माध्यम से 85,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मोदी सरकार की गारंटी भारतीय रेल का आधुनिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी से MLC धर्मेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित और रेल सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने शुभारम्भ किया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण स्टेशन पर आए हुए लोगों ने देखा। इसी के साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र सहजनवा से जंगल नकहा कार्गो पॉइंट व गोरखपुर कैंट से कुसमी तीसरी लाइन का शिलान्यास भी हुआ। इस अवसर पर MLC धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारतीय रेलवे और देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री द्वारा 85,000 करोड़ रुपए से रेलवे के आधुनिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। सबसे बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की है। वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से प्रयागराज तक जाएगी। जो भी श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाना चाहें वे अब गोरखपुर से सुबह निकलकर रात्रि में वापस भी आ सकेंगे। सगरी जग से सुंदर बदिसवा, सगरी जग से सुंदर बदिसवा, दुनिया करे न सुमान हो मोरे दिसवा पे हमके गुमान हो, मोरे दिसवा पे हमके गुमान सुंदर बदिसवा, दुनिया करे न सुमान। वाले निवासियों को भी सस्ते दर पर औषधि उपलब्ध होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का यह स्टेशन। तालियां बजनी चाहिए, हमारे माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत एवं सम्मान हो रहा है। वाले निवासियों को भी सस्ते दर पर औषधि उपलब्ध होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं आप सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। साथ में इस अवसर पर आप सबको पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की ओर से, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं भविष्य में देश के विकास में भरपूर योगदान देंगे और राष्ट्र की सेवा में पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित रहेंगे। इस अवसर पर मैं कार्यक्रम में पधारे प्रेस मीडिया से आए हुए सम्मानित गण, प्रतिनिधिगणों, अधिकारियों, कर्मचारियों व उपस्थित समस्त जनों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को जगह जगह लागू किया, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के रूप में आज वो लॉन्च कर रहे हैं और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश बार बार की इलेक्शन में जाने के बजाय वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में भी आगे बढ़ने वाला है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, भारतीय रेल के आधुनिकरण के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 85,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है। यह आज का दिन भारतीय रेल के लिए एक चमत्कारिक है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, उसी प्रकार से आम जन के लिए भारतीय रेल भी उसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने वाला है। और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि आने वाले 2047 में भारत विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा होगा, ये आज का कार्यक्रम, आज की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास, उसमें बड़ा एक कदम है।